सो गाइज, यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S20 Plus डिवाइस के अंदर एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट है जो कि यहाँ पे आया है। सो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इतने ज़्यादा आपको चेंजेज हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिलते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ कैमरा हैज़ बीन इम्प्रूव्ड इनहेंस्ड क्विक शेयर। सो ये एक आपको फीचर देखने को मिलता है इसी अपडेट के अंदर। इम्प्रूव फाइल शेयर बिटवीन गैलेक्सी डिवाइसेज यूजिंग क्विक शेयर। सो ये भी वही बात है, क्विक शेयर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ऐड किया गया है, थोड़ा बहुत और यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है। द सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइस हैज़ बीन इम्प्रूव्ड। सो सही बात है, आपको मई का सिक्योरिटी पेशल का जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है और 390.53 MB की इसकी टोटल साइज़ है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं। क्योंकि इस अपडेट की साइज़ इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, सो अपडेट है वो यहाँ पर कंप्लीट होने में इतना ज़्यादा समय है वो यहाँ पर नहीं लगेगा। गाइज, मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैंने ये थीम है वो यहाँ पे कौन सी अप्लाई कर रखी है। आप लोग देख सकते हो आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। सेटिंग पेज है, इसके भी जो आइकन है इनके कलर है वो यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हो आपको नियॉन कलर है हर यहाँ पे लोगों के अंदर देखने को मिल जाता है। आप लोग अपनी सेटिंग के अंदर जाके देखिए, आपको कुछ इस तरीके के लोगो हैं वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। और भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि माई फाइल्स के अंदर आपको जितने भी जो आइकन हैं उनके कलर हैं वो यहाँ पे थोड़े बहुत डार्क किए गए हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सो इसकी वीडियो है वो आपको ऊपर आई बटन प्रेस करके देखने को मिल जाएगी। सो डाउनलोड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इंस्टॉल कर लेना है सिंपली। तो बहुत ही फास्ट है, इतना टाइम नहीं लगा है, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं, 1.5 मिनट लगी होगी इस अपडेट को कंप्लीट होने में। चलिए यहाँ पे फ़ोन भी ऑन हो चुका है। सो गाइज, यहाँ पे अपडेट है जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो इस अपडेट के अंदर वैसे तो कोई नया फीचर है जो कि यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, लेकिन फ़ोन की स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर इंप्रूव हुई है। मैं आपको अभी एक बार चेकआउट कराता हूँ। देख सकते हो फ़ोन का जो अपडेट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्या क्या नए फीचर है जो कि ऐड हुए हैं, फीचर कोई भी ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ फ़ोन की जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पे इम्प्रूव हुई है। सो बहुत ही जल्दी ये जो अपडेट है वो सैमसंग के बहुत सारे डिवाइस के लिए आने वाला है। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।